गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संग जी, चलिए हम अपने माँ ग्रंथ को कंटिन्यू करते हैं और आज का अपना विषय है हुजूर महाराज जी का प्रारंभिक दिनों में तीव्र स्वभाव। प्यारी सत्संग जी, हुजूर महाराज जी का व्यक्तित्व शुरू से ही बेहद स्नेहशील और मिलनसार था और उन्हें मजाक करने का भी बहुत शौक था। उनका एक स्पष्ट और अडिग सिद्धांत था, झूठ और कपट को वे कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। आश्रम में उनके प्रारंभिक दिनों में जब भी वे किसी भी प्रकार की गलत बात या आचरण देखते, उन्हें अपने आप पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता और वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे। आश्रम में उन्होंने जब भी किसी को चालाकी या गलत कार्य करते देखा तो वे उनसे तुरंत टकराव कर लेते थे। विशेष रूप से उनके प्रारंभिक दिनों में वे उन लोगों से सीधे जाकर भिड़ जाते थे जो आश्रम की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त होते या जो बड़े महाराज जी के प्रति असम्मान दिखाने की कोशिश करते थे। प्यारी साधसंग जी, हुजूर महाराज जी का हृदय बच्चे जैसा शुद्ध और मासूम था, जिसके कारण दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के व्यवहार से उन्हें अत्यधिक क्रोध आता था। कभी-कभी तो वे हाथापाई पर भी उतर आते थे। इस प्रकार के गर्म स्वभाव के कारण उनके विरोधियों को बड़े महाराज जी से उनकी शिकायत करने का अवसर मिल जाता था। जब भी हुजूर साहब बड़े महाराज जी के पास जाकर पूरा वाक्या बताते कि फलाना व्यक्ति ने क्या किया, तो बड़े महाराज जी अपने शांत और संतुलित स्वभाव से उन्हें समझाते, कोई बात नहीं, तू गुस्सा नहीं हो, जिसको गलत करना है वो गलत करता रहे, वो उसका कर्म है। इस तरह बड़े महाराज जी हुजूर साहब को धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाते थे। शुरुआत के दिनों में उनके उग्र स्वभाव के कारण ही बड़े महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे, मेरा मास्टर में 99 गुण है, बस एक की कमी है, वो भी जब टाइम आएगा तो सुधार लेगा। प्यारी साधसंग जी, हुजूर महाराज जी उस समय संगत में चुनिंदा जोरावर नौजवानों में से एक थे। उनका 6 फुट से ऊंचा लंबा कद था और खिलाड़ी होने के कारण वे काफी बलशाली वह मजबूत काठी के थे। इसी वजह से बड़े महाराज जी ने उनको किसी से भी लड़ने और झगड़ने से साफ मना कर रखा था। इतना शारीरिक बल होने के बावजूद अपनी आंखों के आगे गलत गतिविधियां होते देख हुजूर साहब बड़ा असहाय महसूस करते और फिर उसी बात का उनके मन में क्रोध रहता। जब इस तरह की आश्रम में कोई भी घटना होती तो वो बड़े महाराज जी से भी नाराज हो जाते थे। हुजूर साहब फिर मौन धारण कर लिया करते थे और फिर किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने कई बार बड़े महाराज जी को भी झूठी बातों का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति भी प्रकट की और कहा, महाराज जी, न तो मैं झूठ बोलता हूं ना ही मुझे झूठ बोलने वाले बर्दाश्त होते हैं। अगर आप भी कभी झूठ या झूठे व्यक्तियों का साथ दोगे तो मैं आपको भी गलत ठहराऊंगा और आपसे भी नहीं बोलूंगा। यह तो बस बड़े महाराज जी ही जानते थे कि उनको अपने गुरुमुख को किस प्रकार तपाकर उनके अंदर छिपे निर्मलता, धैर्य और शीलता जैसे मूल्यवान गुणों को कैसे सामने लाना है। जब हुजूर साहब देखते कि बड़े महाराज जी दुराचारी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की भी सहायता करने व उनको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं, तब वे बड़े महाराज जी से इतने नाराज हो जाते थे कि सारा सारा दिन उनसे नहीं बोलते थे, बस चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहते थे। बड़े महाराज जी भी उनके अंदर उमड़ रहे तूफान को भांप लेते थे और उनसे श्याम होने तक कभी प्यार से बोलकर तो कभी मजाक का सहारा लेकर हुजूर साहब से बात करना शुरू कर लेते थे ताकि वो शांत हो जाए।
बड़े महाराज जी जब भी अपने मास्टर को यूं परेशान होता देखते तो उनको मजाक में छेड़ते, मास्टर आज बांगा बांगा क्यों चल रहा है, मास्टर आज कुछ ज्यादा चुप नहीं है, मास्टर काफी वार कर दी आने में, सारे दिन नहीं दिखा, कहीं रह गया था क्या। जब उन पर ऐसे मजाकिया तंज कसते तो हुजूर साहब मुस्कुरा देते और अंत में अपना गुस्सा त्याग ही देते थे। जिस प्रकार एक बार की बात है कि एक शख्स जो बड़े महाराज जी का शिष्य था वो आश्रम में हर रोज सत्संग में आया करता था। सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, दानी, गरीब, रोगी, ठग, लुटेरे और परमार्थी भी, सबके भाव एक समान नहीं होते। वह शिष्य भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आश्रम आया करता था और आश्रम में वो काफी लोगों का विश्वास पात्र बन चुका था। एक दिन उसका दाव लगा तो वह आश्रम में खड़ी गाड़ी चुरा कर भाग गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो नशे और अन्य विकारों में भी फंस गया है। इस घटना को आधार बनाकर गांव में रह रहे कुछ लोगों को आश्रम और सत्संगियों की आलोचना करने का मौका मिल गया। अपने सत्संग घर की इस प्रकार की नकारात्मक बातें सुनकर हुजूर साहब को बड़ी पीड़ा हुई। उनके मन के अंदर उस आदमी के लिए भीषण क्रोध उठा। कुछ दिनों पश्चात हुजूर साहब ने देखा, वो ही दुर्जन शिष्य जब उसके सिर पर कठिनाइयां आन पड़ी तो वापस बड़े महाराज जी के चरणों में आ गिरा और उनसे अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मदद भी मांगी। बड़े महाराज जी ने उसे बिना कुछ बोले उसे तुरंत माफ भी कर दिया और फिर उसकी सहायता भी करी। उसके बाद उस शख्स ने अगले दिन से फिर सत्संग में पहले की तरह आना शुरू कर दिया, बिना किसी अफसोस या शर्म दिखाई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि वह तो पहले से भी ज्यादा बड़े महाराज जी के आगे पीछे घूमता नजर आता और संगत में भी सबसे आगे बैठने की चेष्टा करता। उसको इतना निर्बोध देखकर हुजूर साहब को बड़ी चिढ़ महसूस होती। उन्होंने जाकर फिर अपनी बेचैनी बड़े महाराज जी के आगे प्रकट की और उनसे इस विषय में खूब बहस की। हुजूर साहब ने अपना पक्ष रखते हुए बड़े महाराज जी से पूछा कि वे सत्संग को इतना बदनाम करने वाले लोगों को एक पल में माफ क्यों कर देते हैं। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उस व्यक्ति ने आश्रम को धोखा दिया, आश्रम से बाहर जाकर दुनिया भर के पाप कर्म में लिप्त हुआ और एक पल के लिए भी न गुरु और न सत्संग घर के बारे में सोचा, और जब खुद पर थोड़ी सी आपत्ति पड़ी तो पलक झपकते ही आश्रम का सहारा ले लिया। हुजूर यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि बड़े महाराज जी जो व्यक्ति दिन रात आश्रम के लिए कृतज्ञ है वह समर्पित भाव से सेवा में लीन है, और जो व्यक्ति आश्रम के लिए अपने स्वार्थवश मन में घात धारण किए हुए हैं, उन दोनों के बीच बिना किसी भेदभाव किए दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार क्यों करते हैं। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब के मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए उन्हें समझाया कि संत तो दया के सागर होते हैं, वो जीवों को माफ करना छोड़ देंगे तो इस संसार में बचेगा ही क्या। संत भी अगर पापियों के साथ उनका कर्मानुसार बर्ताव करे तो वो संत कहाँ रहेंगे, वो तो खुद संसारी आदमी की तरह हो जाएंगे। संतों का काम तो दया करना होता है, इसलिए उन्हें परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है और दयाल पुरुष कहा जाता है। संत जानबूझकर कपटी और पापी लोगों को स्वीकार कर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वे बस यही सोचते हैं कि उनको प्रेम देकर क्या पता उनका न जाने कौन सा भाग्य उजागर हो जाए और उनके हृदय में भी प्रेम जग जाए और वो सुधार के रास्ते पर चल पड़े। जिस प्रकार गंदगी को साबुन और स्वच्छ पानी से ही धोया जा सकता है, उसी प्रकार पाप कर्म को भी अच्छाई से ही साफ किया जा सकता है। गलत व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना वैसा ही है जैसे गंदगी पर और गंदगी डाल देना, उससे केवल गंदगी और बढ़ेगी।
गंदगी पर मिट्टी डाल दो तो वो तुरंत ढक जाएगी। इसलिए तो संत किसी व्यक्ति के पाप कर्म प्रकट नहीं करते, वे तो उस पर तुरंत मिट्टी डालकर उनको सुधार के रास्ते पर आने की प्रेरणा देते हैं। इस वाक्य के बाद हुजूर साहब ने अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह संकल्प किया कि जैसे बड़े महाराज जी की मौज रहेगी उसी तरह रहेंगे और वह अपनी तरफ से किसी का बैर विरोध नहीं करेंगे। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बड़े महाराज जी के संग से जब सत्संग का रंग हुजूर साहब पर चढ़ा तो उनके अंदर की अधीरता की जगह संभाव ने ले ली। हुजूर साहब अब दूसरे लोगों को तो छोड़ो, कोई उन पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता तो वे उसको कभी मुड़कर जवाब नहीं देते, बल्कि उसको हंसकर टाल देते थे। कई बार आश्रम में ऐसे मौके भी आए जब उनके विरोधियों ने उनके आगे ही उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको अपशब्द कहकर उनको अपमानित करने की कोशिश की, परंतु हुजूर साहब ने अपने गुरु की नसीहत को कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकेत जन और स्वान को फिर जवाब न दे, अपने अंदर इस तरह समाहित किया कि कहना सुनना तो दूर, वे उनकी बातों को नकारने की भी परवाह नहीं करते थे। वह तो इस जग के झमड़े और झमेलों से परे बेफिक्री की चादर ओढ़ अपने मुर्शिद के प्रेम में लीन हो चुके थे। यह हुजूर साहब की सबसे विशेष गुणवत्ता थी कि उनको जब भी किसी से कोई सीख मिली उन्होंने उसको अपने जीवन में तुरंत अंगीकार कर लिया। जब बड़े महाराज जी को विश्वास हो गया कि उनके गुरुमुख में भी उन जैसे ही उदारता के गुण प्रकट हो गए हैं, तब हुजूर साहब में आए इस आश्चर्यजनक बदलाव की प्रशंसा करते हुए उन्होंने दिनोद सत्संग में ये अनमोल वचन फरमाए, अब मेरा मास्टर चिढ़ता नहीं, बाकी लोग चिढ़ जाते हैं। मेरे पास यह मास्टर बैठा है, बार बार कहता हूं कि शुरू में इसके ऐसे विचार थे कि कैसे बताऊं, और भी दो तीन बैठे हैं पर वे चिढ़ जाएंगे, इतनी ही बात है, बस अब मास्टर चिढ़ता नहीं है। हे सत्संगियों, जो शरण में आ जाता है वह तीर जाता है, पर शरण में आना ही बड़ा मुश्किल काम है। सो मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूं, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। प्यारी साधसंग जी, कल फिर यहीं से हम अपने महाग्रंथ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।